इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियां इस साल नहीं निकल पाएगी। सालों पुरानी इस परंपरा को टूटने की मुख्य वजह कोरोना महामारी को माना जा रहा है। कोरोना ने झिलमिल झांकियों पर ऐसा ग्रहण लगाया कि पूरे इंदौर के चेहरे मुरझा गए। एक एक कर जब सड़कों पर झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकलता था तो उसे देखने के लिए इंदौर का हर शख्स देर रात तक जागता था। झांकियों को देखने की ललक इंदौर वासियों में ऐसी है कि रात भर इंदौर चहलकदमी से गुलजार रहता था। कोरोना महामारी की वजह से सालों पुरानी वो परंपरा टूट रही है, जिसे कायम रखने के लिए हर साल मिल मजदूरों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। बंद पड़ी मिल के मजदूरों ने तमाम अभावों और मानसिक तनाव के बाद भी झांकियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखा, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि शहर की ये खास परंपरा महामारी के कारण टूट जाएगी। 1924 में जो परंपरा शुरू हुई, 97 वर्ष बाद शायद तक उस परंपरा पे विराम लगा है। कोरोना महामारी ने सारे विश्व में एक ऐसा हाहाकार मचा दिया है, जिससे सभी व्यापार व्यवसाय खत्म से हो गए हैं और बंद होने की कगार पर है। लेकिन इंदौर की झांकियों की परंपरा पे भी इस साल विश्राम लगा है और पूरे प्रदेश सहित देश में निकलने वाली यह परंपरा का झांकियां शायद तक इस वर्ष हमें देखने को नहीं मिले। आइए हम उस झांकी बनाने वाले मजदूरों और उस झांकी निर्माताओं से बात करते हैं कि वह इस तकलीफ के दौर में कैसे गुजर रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं। कोरोना ने इंदौर की दशकों पुरानी परंपरा को भी संक्रमित कर दिया है। यही वजह है कि इंदौर में निकलने वाली झांकियों का कारवां भी अगले एक साल के लिए क्वारंटाइन हो गया है। कपड़ा मिलों ने सालों पहले अनंत चतुर्दशी के मौके पर झांकियों को निकालने की परंपरा शुरू की थी। बाद में कपड़ा मिले बंद हो गई और हजारों मिल मजदूर भी बेरोजगार हो गए, लेकिन तंगी हाल के बावजूद मजदूरों ने झांकियों के पहियों को नहीं थमने दिया। आर्थिक मुसीबतों और आंसुओं की बारिश के साथ विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मजदूरों ने अनंत चतुर्दशी का उत्साह कायम रखा। हर साल गणेश उत्सव के 10 दिनों में इन मिलों की रौनक निहारने लायक होती है। सभी बंद पड़ी मिलों में 24 घंटे आकर्षक झांकियों का निर्माण होता रहता है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि कोई महामारी आकर इंदौर के इस त्योहारी परंपरा को एक झटके में तोड़ देगी। दरअसल कोविड-19 के चलते इस साल अनंत चतुर्दशी की रात इंदौर में रोशनी नहीं बिखर पाएगी, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन ने परंपरा के पहिए को थाम दिया है। मिलों में पुरानी झांकियां टूटी फूटी अवस्था में दिखाई दे रही है और अपने जगमगाते इतिहास की गवाही दे रही है, लेकिन आने वाले कल के नाम पर यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। अहम बात यह है कि देश में जिस साल इमरजेंसी लगाई गई थी, उस साल भी झांकियों की परंपरा कायम रही। चल समारोह के सुनहरे इतिहास के साक्षी रहे मिल से जुड़े सदस्य आज भावुक है, क्योंकि उनके लिए इस साल झांकी निकालने के सभी प्रयास सकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सके। आज से 35-40 साल वर्ष पूर्व जब ये झांकियां बनती थी तो इंदौर शहर का नाम जो है झांकियों के कपड़ा मिलों की जो झांकियां थी उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को लेके बच्चे जो झांकियाँ बनाई जाती थी उस समय कई खिलौनों के ऊपर झांकियाँ बनाई जाती थी। कई हमारे ऐसे कलाकार थे रूपचंद पंजाबी तरीके से सर्कस दिखाते थे। ऐसे झांकियों को आकर्षण के लिए छोटे छोटे बच्चे को लेके उनके माता पिता आते थे, गाँव से आते थे, आसपास के शहरों से आते थे और शहर का पूरा एक माहौल बन जाता था। वो बताया जाता था कि इसमें लाइटिंग देखो किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि चली झांकियाँ चलती थी उस समय। चली झांकियों के अंदर जो अपना शरीर जो जीवन रहता है
वो दर्शाया जाता था कलाकारों के द्वारा, और उसमें ऐसा लगता था कि अब जान आई, अब जान आई। ऐसी झांकियां हमारे हुकमचंद मिल की और इंदौर की जो कपड़ा मिल हैं सभी मिलों की झांकियां निकला करती थी। आज का समय ऐसा है कि आज जो करोना आया है, इस करोना की वजह से हमारी जो झांकियाँ हैं वो स्थगित करी गई है। शासन उसमें कोई अभी सहयोग नहीं कर पा रहा है। हम लोगों ने इनको राय भी दी थी कि एक एक झांकियाँ निकाल दी जाए, खजाना गणेश जी की निकाल दी जाए। आईडीए भी हमारे साथ था, नगर निगम भी हमारे साथ थी, लेकिन जो कोरोना का आया है इस वजह से कोई भी मिल की झांकियाँ और खजाना गणेश की मंदिर की भी झांकी इस बार नहीं निकल रही है। हमें बड़ा दुख है। अगले साल हम पुनः इस बार प्रयास करेंगे कि झांकी जैसे निकला करती थी उस प्रकार से। हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री नरेश श्रीवंश ने प्रशासन को सुझाव दिया था कि महाकाल बाबा की सवारी के तर्ज पर झांकियों को निकलने की इजाजत दी जाए, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं झांकियों का निर्माण करने वाले कलाकारों के लिए भी कोरोना गरीबी का संक्रमण दे गया। त्योहारों से अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले आज अपनी कला को दबाकर सिर्फ बैठे रहने को मजबूर है, जिसके चलते सभी मायूस होने के साथ ही आक्रोशित भी है। मैं पीछे 100 साल पीछे जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की इंदौर शहर की पहचान यहां की कपड़ा मिले और यहां से निकलने वाली झांकियां। एक समय जब इंदौर की पॉपुलेशन आज से 125 साल पहले 3.5 लाख थी और मजदूर 56,000 मजदूर मिलों में कार्य करता था। यहाँ की झांकी सर्वप्रथम हुकुमचंद मिल की बनी 1900 गणेश जी तो मिल बनी 1914 में हुकुमचंद मिल, और गणेश जी की स्थापना तो हो गई थी मूर्ति की, लेकिन झांकी की स्थापना सर्वप्रथम सरसेठ हुकुमचंद जी ने की 1924 में, और वो झांकी बैलगाड़ी पे निकली थी। पुराने लोग जो हमारे पूर्वज हैं तो वो लोग बताते थे कि यहाँ की पहली गाड़ी बैलगाड़ी पर निकली थी, और वो किशनपुरे तक किसी समय में वो खान नदी के नाम से हुआ करती थी, वहाँ विसर्जन होता था। सने सने दौर बढ़ा, इसका टाइम चेंज हुआ, आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फिर ये सारा मामला नई नई चीज़ें आई हैं, तो फिर ये झांकी इस टाइप की निकलने लगी कि जैसे वो जो पुतले सीधे बात कर रहा हूँ इस टाइप से, यानी अपन दूर से देखो तो ये जीवित इंसान खड़ा। ऐसे ही हमारे वो जो कलाकार थे पुराने वो जान डाल देते थे, क्योंकि उस समय मिले चालू था। तो ये परंपरा इंदौर शहर की पहचान और ये परंपरा है। प्रशासन चाहता तो सब संभव था। देखो आज भी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज भी 15 लाख आदमी 24 घंटे बाहर है। आज सारी दुकानें चालू, सब चीज़ें चालू। हमने प्रशासन को सुझाव दिया था कि बाबा अमरनाथ वो महाकालेश्वर की सवारी निकल रही है, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, एक छोटा स्वरूप दे दो। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब घर बैठे देख लेंगे। अब बैरिकेड लगा दो और सब, और 7 से 9 में खजराना गणेश जी के बाद सारी झांकियाँ एक एक बनवा दो, परंपरा बंद मत होने दो। तो परंपरा टूटती तो बड़ा दिल को धक्का लगता है। जो पूर्वज हमारे जो परंपरा देखे गए, चालू करके गए, उसका थोड़ा छोटा मोटा तो स्वरूप रहने देना था। उस परंपरा आज एक झांकी हम ये भी नहीं कह रहे थे वो लंबा रूट दो आप माँ इल्या के, वहाँ से एक परकम्मा लेकर हम आ जाते और एंड कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। परंपरा भी नहीं टूटती और जनता का वो भी रहता, लेकिन प्रशासन ठीक है, हम प्रशासन से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। COVID-19 संक्रमण की बात आ रही है, वो तो हम शासन के साथ हैं, लेकिन ये परंपरा बंद हुई तो मजदूर भी दुखी, हमारे सभी मिलों के जो कमेटियां वो हैं, कलाकार तो बेचारे भूखों मर रहे हैं। कुछ कलाकार तो ठेले चलाते हुए दिख रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो इष्टो सुधारने जा रहा है बेचारे, क्योंकि इनकी जा उनको कोई दूसरी हुनर नहीं है। परंपरा ख़त्म तो नहीं हुई है, रुकी हुई है। हमने सब लोगों ने ये तय करा कि ये महामारी है और इससे आम जन का जनहानि का ज़्यादा रुका हुआ है, इसलिए हम लोगों ने आपकी निर्णय भी करा कि किसी प्रकार से इस साल हम इसको स्थगित कर दें। ख़त्म तो नहीं हो, स्थगित, आने वाले समय में भगवान चाहेगा तो बीमारी बहुत जल्दी हटेगी और आने वाले समय में फिर धूमधाम से हम झांकियां निकालेंगे इस मिल की, क्योंकि 100 साल की पुरानी परंपरा है और इंदौर की एक शान है। कपड़ा मिलें यहाँ की शान रही हैं, इंदौर की पहचान रही है, न केवल इंदौर ना प्रदेश बल्कि पूरे देश में यहाँ की कपड़ा मिलों को पहचाना जाता है। यहाँ की धार्मिक जो परंपरा है गणेश उत्सव की, उससे इंदौर की पहचान रही है, तो इसको ख़त्म तो नहीं होने देंगे हम। लेकिन इस बार स्थगित जरूर हमने करा है, उसके कारण स्थगित करने के कारण इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि धार्मिक परंपरा के साथ में कई लोगों का इससे पेट भी जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है। वो कलाकार हैं, लाइट वाले हैं,
पेंटर हैं और बहुत सारे लोग हैं ना, एक मील के अंदर कम से कम 50 से 60 लोग कर्म जो कलाकार हैं उनके साथ में काम करते हैं। 50-60 लोगों का परिवार बनता है। एक मील में 50-60 हैं तो 6 मीलें हैं, करीबन सब मीलों को आप जोड़ लें तो 3,000 के करीब होते हैं और उनके मिलाकर के परिवार वाले 10 से 15 हज़ार लोगों का रोजी रोटी का नुकसान हुआ है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह को निहारने दूर दराज से भी लोग आते थे, जबकि पूरा शहर इस रात को राती जगा करता है। कई छोटे व्यापारियों के लिए भी ये रात आने वाले कई दिनों तक रोशन कर जाती है, लेकिन महामारी ने परंपरा के साथ छोटे व्यापारियों की आजीविका को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इन सभी हालातों के बीच अनंत चतुर्दशी की रात का साल भर इंतजार करने वाले सैकड़ों लोग आज मन ही मन रो रहे हैं, लेकिन इनके दर्द पर मरहम लगाने वाला आज कोई नहीं है। शायद तक इस वैश्विक महामारी ने कई व्यवसाय और व्यापार के चके थाम से दिए हो, लेकिन इंदौर की निकलने वाली यह परंपरागत झांकियां इस वर्ष शहरवासियों सहित प्रदेशवासियों को देखने को नहीं मिलेंगी और इस झांकियां के न निकलने से हजारों परिवार शायद तक बेरोजगारी का शिकार होंगे। शायद तक जरूरत है शासन प्रशासन की कि उन्हें भी इन मजदूरों की तरफ ध्यान देना होगा, जिससे कि यह परंपरागत इसी तरह से निर्वाह कर सके। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबर बांड, इंदौर।